सबसे पहले मैं आपको और एक बात पेश करता हूँ कि आपके इलाके के अंदर एक खूबसूरत पार्क का इफ्तिताह हो रहा है और इंशाल्लाह ये फैमिली पार्क अगर नजर साहब की कोशिशों से और टाउन नाजिम जनाब फारूक नेमतुल्लाह साहब की कोशिशों से इंशाल्लाह एक दिन इस इलाके का बेहतरीन पार्क बन जाएगा जहाँ पर यहाँ पूरे इलाके की फैमिली भी आकर के उस पर इस्तेफादा कर सकेंगे। हमने पूरे कराची के अंदर तरक्याती कामों का एक नेटवर्क शुरू किया हुआ है, सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, पार्क बन रहे हैं, चौराहे बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का निजाम भी की इस्लाह हो रही है, स्कूलों की दुरुस्तगी हो रही है, मयार तालीम पर भी जोर दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं जो कुछ भी हो रही हैं ये सिर्फ अल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से हो रही हैं। हमें शायद हम काबिल नहीं थे, लेकिन ये हम जरूर कहते हैं कि हमने शुरू दिन से अल्लाह के सामने जो वादे किए थे हम उन वादों पर कायम हैं। हमने कराची के अंदर अमानत और दयानत की मिसाल कायम की है और ये सारे तरक्याती काम अमानत और दयानत का बोलता बूम बोलता सबूत है। मुझे यकीन है कि कराची के अंदर सिटी गवर्नमेंट के तमाम नाजमीन काउंसलर खवातीन काउंसलर्स ने जिस मेहनत के साथ लगन के साथ कराची के तरक्याती कामों में हिस्सा लिया है और जिस तरह कराची को रोशनियों का शहर, कराची को एक हरा भरा शहर, सरसब्ज शादाब शहर बनाने की कोशिश की है, समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त के अंदर लोग याद रखेंगे। मैं उन तमाम लोगों से जो इस पर तनकीदें कर रहे हैं उनके पास हमारे काम का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ उन्हें भी अब इस बात में यकसू हो जाना चाहिए कि सिटी गवर्नमेंट कराची कराची के लिए जो कुछ कर रही है और जितना थोड़े अरसे के अंदर हमने यहाँ पर काम किए हैं वो माजी के बरसों के अंदर भी काम नहीं हो सके थे। और हम ये बात पूरी एहसास जिम्मेदारी से कहते हैं कि वो फंड जो हमारे पास हमारे टाउन के नाजमीन के पास यूसी के नाजमीन के पास आते हैं वो उसको अमानत समझते हुए और अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही के एहसास के साथ आखिरत में जवाबदेही के एहसास के साथ वो पैसा खर्च करते हैं और यही वजह है कि इन कामों के अंदर अल्लाह ताला बरकत अता फरमा रहा है और थोड़े पैसे से बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कामों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल करके एक टीम वर्क के साथ कराची की तरक्की के लिए कोशा हैं और इंशाअल्लाह कोशा रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पार्क को मरहूम अल्लामा रशीद सरावी साहब के नाम पर रखा गया है, इसको इस इलाके के लोगों के लिए तकवीत का बास बना, इसमें बरकत अता फरमा, यहाँ की खवातीन को और बच्चों को इस पार्क से इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन वआलिही वसहाबिही अजमईन।